मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं दूर दूर तक ये एरिया सारा बंजर इलाका है पूरा, सभी जगह आती है और ये सांपों के हिसाब से बहुत संरक्षित जगह है, सुरक्षित भी है। तो हमने 3 सांपों का रेस्क्यू किया था, वो वीडियो में आपको दिखा नहीं पाया, काम के सिलसिले में मैं दिखा नहीं पाया। 3 सांपों का मैंने रेस्क्यू किया था, तीनों ही सांपों की मैं वीडियो नहीं बना पाया। वीडियो बनाने का पर्पस उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोगों को सांप दिखाए जाएं या सांपों के बारे में बताया जाए, वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको पूरी सही जानकारी मिल सके, पूर्ण जानकारी मिल सके। लेकिन आप लोगों का सहयोग मुझे कम मिल रहा है, कुछ घर से मुझे थोड़ी दिक्कतें भी आ रही हैं, तो ये शायद ये आखिरी वीडियो होगी मेरी। 3 सांपों को मैंने रेस्क्यू किया था, इन्हें मैं रिलीज़ करने के लिए लाया हूँ। सांपों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया है, इसलिए मैं पिछले 5-6 सालों से सांपों को रेस्क्यू करके इन्हें रिलीज़ करता हूँ और मैं करता रहूँगा, वीडियो बने या नहीं बने। 3 सांपों की मैंने ये इनको रेस्क्यू किया था, वीडियो नहीं बना पाया, इन्हें रिलीज़ करने के लिए लाया हूँ मैं यहाँ पर। और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सुरक्षित और बढ़िया इलाका है ये सांपों के हिसाब से। तो यहाँ इनको रिलीज़ करेंगे और इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से सांप हैं। एक इंडियन रेड स्नैक है, एक हमने पकड़ा था, ये पकड़ा था हमने आज़ाद नगर के बराबर से। एक है आपका बुल्ब स्नैक जो हमने धीमरी से पकड़ा था, ये घर में घुसा हुआ था। और एक है कॉमन करैत। कॉमन करैत और बुल्ब स्नैक के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। कॉमन करैत जो होती है, लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं कॉमन करैत और बुल्ब स्नैक में, यानी कि फुलबग्गे में पहचानने में वो कर देते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मैं कैमरे मैन से कहूँगा कि थोड़ा करीब आए और ये देखें। ये आप देखेंगे, ये है कॉमन करैत जो हमने लाकड़ी रोड से एक घर से रात में रेस्क्यू किया था इसका। ये है बुल्ब स्नैक जो हमने धीमरी से इसका दिन में ही रेस्क्यू किया था, ये घर में घुसा हुआ था, मारने का प्रयास कर रहे थे लेकिन मैं पहुंचा वहां पर मौके पे और मैं इसे बचा कर लेकर आया। ये आप देख सकते हैं 2 सांपों में। इन दोनों सांपों के बारे में आपको बताऊंगा तो अंतर क्या होता है इनमें। धारियां आपको सेम मिलेंगी, लोग जो पहचान नहीं पाते इन बुल्ब स्नैक और कॉमन करैत को। तो कॉमन करैत और बुल्ब स्नैक में आप देख सकते हैं ये भूरे और हल्के बड़े इस पर धब्बे हैं, इस पर काले और सफ़ेद ये बारीक धब्बे हैं। आप चेहरे से भी आप देख सकते हो समानता थोड़ी अलग होती है इनमें, लेकिन ये दुनिया का यानी कि भारत का नंबर एक जहरीला सांप है जिसके 20 दंत इतने छोटे होते हैं सुई की बात तरह। ज़्यादातर ये जो कॉमन करैत है रात को सोते हुए इंसान को काटता है, ठंडे खून का ये कॉमन करैत होता है, गर्म जगहों में अक्सर घुस जाता है घरों में, गले में हाथ पर मतलब यहीं पर ही काटता है ये, और रात में ही काटता, रात्रि जर होता है, रात में ही निकलता। बुल्ब स्नैक ये आप देख रहे हैं इसमें कोई भी जहर नहीं पाया जाता है दोस्तों। जी हाँ, अक्सर लोग जो है समझ लेते हैं कि इसमें जहर होता है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी जहर नहीं होता है साथियों। ये आप देखेंगे इसकी पहचान बिल्कुल साफ है, आप देखेंगे इसके धब्बे जो होते हैं इसके चेहरे इस पर, ये आप बिल्कुल अलग अलग देखेंगे, बड़े बड़े धब्बे होते हैं और कॉमन करैत में बारीक होते हैं, इसकी अक्सर पहचान है, लोग गलती कर देते हैं। तो आपको मैं दोनों दिखा रहा हूँ आपको, इनको रिलीज़ करेंगे हम, ये देखेंगे करीब से आप, दोनों में अंतर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, कैमरामैन हमारे आपका दिखाएंगे बराबर से बिल्कुल। दोनों की धारियाँ अलग हैं, ये देखेंगे आप। ये है इंडियन रेड स्नैक, इसको भी हमने रेस्क्यू किया था लाकड़ी रोड से, ये भी एक घर में मतलब घुस गया था, वो मैं वीडियो नहीं बना पाया लेकिन रिलीज़ की मैं आपको दिखा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पाता मुझे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देखेंगे, ये आप देखेंगे, मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएंगे आपको। ये है रेड स्नैक, इंडियन रेड स्नैक।
ये देखेंगे आप, इंडियन रेड स्नैक। ये है इंडियन रेड स्नैक, इसको हम रिलीज करेंगे, रिलीज करने के लिए लाए हैं मैं, ये दिखाऊंगा मैं आपको। उल्टा कर रहा है, दोस्तों ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता है, गलत फहमी लोग इसे मार देते हैं जहरीला समझ के। इधर हम छोड़ेंगे इधर को, दोस्तों रिलीज करेंगे इसको हम, ये देखेंगे आप रफ्तार, घोड़ा पछाड़ और भामर इसी को कहते हैं। गया देखो गाइस पेड़ पर चढ़ गया है, मुझे लग रहा शायद आपको दिख सकता है। डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया है रेड स्नैक, हमने इसको रिलीज किया था, रिलीज़ होने के बाद ही पेड़ पे चढ़ गया। चलो ठीक है, अब इसको एंजॉय करने दो। ये काम सिर्फ एक एक्सपर्ट का है, वीडियो देखकर आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, इसमें मैंने 5 से 6 साल लगा दिए हैं। वीडियो देखकर आप बिल्कुल गलती ना करें, कभी आप जो है वीडियो देखें और सांप अगर दिखाई दे तो उसके पकड़ने की कोशिश करें, तो ऐसा प्रयास बिल्कुल ना करें। वीडियो माध्यम से मैं आपको सिर्फ इसकी जानकारी देना चाहता हूं कि कोई भी सांप हो जिसकी जानकारी आपको ना हो तो उसे पकड़ने का प्रयास बिल्कुल ना करें, मारने का प्रयास भी बिल्कुल ना करें, और उसे जैसे है जो हाथ में उसे छोड़ दें। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों। तो साथियों, तीनों सांपों को रिलीज़ कर दिया गया है, रेड स्नैक, इंडियन रेड स्नैक और कॉमन करैत, भारत का नंबर एक जहरीला सांप, और बुल्ब स्नैक, तीनों को हमने रिलीज कर दिया है। वीडियो देखकर दोस्तों गलती ना करें, ये काम सिर्फ एक रोगी है, रोगी दोनों में आपको अंतर बताऊंगा मैं, अंतर क्या क्या होता है। देखो ये डंडी ले गई है, इधर मजबूत लगा है, बहुत मजबूत ला रहा है, देखते इसकी तोड़ना। इससे मजबूत तो यही पड़ी लगा है, सही है ये, सही है ये वाली। ये दिखाऊंगा मैं आपको, ये है कॉमन करैत, अक्सर लोग जो ना इसे पहचानने में बहुत गलती कर देते हैं, ज़्यादातर गांव में अक्सर गर्म जगहों में कपड़ों में लिहाफ में या किसी चीज़ में घुस जाती है और काटती है गले में या हाथ में या कंधे पे। दांत जो हैं बहुत बारीक होते हैं इसके, बहुत ही ज़्यादा बारीक। तो ये आप देखेंगे कॉमन करैत, भारत का नंबर एक जहरीला सांप, जिसके विष दंत जो हैं सुई से भी ज़्यादा घातक होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है इसके अंदर, जिससे इंसान की जो मौत है 20 से 25 मिनट में हो जाती है। तो करते हैं दोस्तों इन्हें रिलीज, ये देखेंगे आप,
आप ये क्या दिन से बंद है इस टाइम? इस पे कैचरी में मतलब पूरी है ये, इसलिए अभी ये जानी चाहिए, कैचरी उतारेगी तब ये साथ निकलेगी। ये आप देखेंगे और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा ये इसमें और इसमें अंतर क्या होता है, मैं आपको और बता दूं थोड़ा सा। पहले इसे छोड़ देता है। ये आक्रामक बिल्कुल नहीं होती है, दिन में निष्क्रिय रहती है, कोई अगर इसके ऊपर पैर रख दे तभी ये काट पाती है, वरना ये मतलब किसी पे काटती नहीं है किसी को भी। नूर चलिए यह अपनी आक्रामकता के लिए जाना जाता है, गोल गोल रिंग बनाएगा और ये जैसे डराने के लिए, हालांकि इसमें कोई जहर नहीं होता। ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मोबाइल फुल हो गया है, करते हैं इसको भी लीजिए। चलो निकल जाओ, अब आप आज़ाद हैं, देखेंगे आप। दोनों में जो धारियाँ होती हैं सेम होती हैं, लेकिन इसकी थोड़ी बड़ी होती हैं, उसकी जो थोड़ी कम पाई जाती हैं, बारीक और लंबी। चलो भाई इसको भी रिलीज कर दिया गया है। आ रहे हैं घूम के चलने।